एक बार दामोदर जी भाई साहब को जो दौरा है खाले 5 तारीख को मांडल विधानसभा में है, 10 जगह पे है और 39 पंचायतों में है। सब लोगों के पास सूचना है, आप सब लोग व सब कार्यक्रम में मौजूद रहो, इकेले में आप सब लोगों ने खिपायो। एक बार सभी लोग खाल का सब कार्यक्रम में मौजूद रहो, जो को समय सबने सूचना है। ठीक साहब, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में हमारे पूर्व जिला प्रमुख आदरणीय शक्ति सिंह जी साहब हाड़ा विराजमान हैं, वे पूर्ण रूप से मेवाड़ी भाषा में ही उद्बोधन करेंगे। आदरणीय शक्ति सिंह जी हाड़ा। एक बार आप सभी को ध्यान अटीना आकर्षित करबो चाहूं, एक बार जोर मुझे गोश कराओ, भारत माता की। थोड़ी आवाज कम आ रही है, लोगों को ध्यान कम है। जत्र तक आप जोर मुंह न बोलो जत्र तक मैं जयकार करते जाऊं, भारत माता की, वंदे वंदे। मारे सीधा हाथ की तरफ बिराजोड़ा आपना संत शिरोमणि ने मैं प्रणाम करूं। साहब ने विराजमान आप हजारों की संख्या में पधारोड़ा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और आम जनता ने मैं नमन का अपना काम करता तक अपना हर सोरियो है कि वो धारा 370 भी हटाई और राम मंदिर को निर्माण भी करो। आप लोगों के बीच में मैंने कह तो वो हर सो के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होबा के नाते आप अपना आपने गौरवान्वित महसूस करो। मैं दूसरी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता यह न कहूँगा कि मैं वो फलानी पार्टी को कार्यकर्ता हूँ, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो और 100 लोगों में 1000 लोगों में ठोक बाजार आप कह सको छाती ठोक करके, भाई मैं भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता हूँ। दूसरी पार्टी की सरकार जद भी बनी केंद्र में घोटाला पर घोटालो हो। आज पिछला 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में, आपने बीच में एक भी ऐसे घोटालो सामने ना आयो और आपने हमेशा नरेंद्र मोदी जी का काम की वजह वहाँ के समर्पण की वजह जो आपने विदेशा में आपने जो सम्मान मिलो है भारतीय ने उसकी आज आप कल्पना भी न कर सका। मैं आप सभी लोगों को निवेदन करूं कि आप अपना आपने उम्मीदवार मानता तका ये लोकसभा चुनाव में अतरी मेहनत करनी है कि अपना उम्मीदवार दामोदर जी अग्रवाल भारी मतों में जीते और आपनों रिकॉर्ड आप खुद तोड़ा। मैं ये बात की गारंटी ले सकूं हूं कि आदरणीय दामोदर जी अग्रवाल जी बात की वहाँ की जो बात की है अपनी बात का धनी है, आपका काम आए और हमेशा आपके बीच में रही। मैं अपनी बात न खत्म करूं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में जिनकी हम इंतजार कर रहे हैं, राजस्थान सरकार स्वयं पधारने वाली है, मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी साहब शर्मा। इसलिए मैं अब जो उद्बोधन देंगे उसे निवेदन करूंगा कि केवल 2 मिनट में, ताकि हमारे बीच में पधारने वाले हैं। अब मैं सहाड़ा विधायक प्रत्याशी रूपलाल जी जाट से निवेदन करूंगा कि संक्षिप्त 2 मिनट में अपना उद्बोधन दें। भारत माता की जयकारो जोरू लगाओ। परम सम्मानीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, आपके बीच में आभा वाला है। मैं निवेदन करूं कि वो जयकारो आपको अतरी जोरू पहुंचे कि वह अठाबा ने अपना आपने गौरवान्वित महसूस करे कि मैं भिलवाड़ा लोकसभा की जनता के बीच में गयो और मैंने वहाँ की आवाज में अतरी बुलंदी दिखी कि आभा वाली 26 तारीख ना अटू जो भिलवाड़ा जिला को पुराना रिकॉर्ड हो वापस ये लोग आयोड़ा लोग तोड़ी। बोलो भारत माता की, बोलो सांवरिया सेठ की। साथिया ज्यादा ना कहते, देखो एक ही निवेदन कह रहा हूं कि पिछला 10 साल पहली जिदी जो सरकार ही जो प्रधानमंत्री जी हा लोग गांव और ढाणी में यह केवल आ गया कि अगर यह प्रधानमंत्री जी 5 साल और रह गया तो शायद भारतवर्ष गुलामी की डगर पर चलो जाए। पर आप सब लोग कार्यकर्ता
भी चीज ने महसूस करी और 2014 में पूरा भारतवर्ष में परम सम्मान्य नरेंद्र मोदी जो कि पिछला 3 बारू मुख्यमंत्री गुजरात का है, अपना पड़ोसी राज्य का है, आप लोग वाने जानता है और आप वाने बड़ा बहुमतों देश का प्रधानमंत्री बनाया और आज अपनी गौरव कह सका कि जो भारत एक खड्डा में गिरियो हो आज वो भारत ये विश्व में शीर्ष पे जा रियो है, यो अपने गौरव महसूस हुआ। साथिया मैं निवेदन करूं आज भारतीय जनता पार्टी का केंद्र नेतृत्व राजस्थान नेतृत्व ने आपने बीच में एक सख्त से सख्त उम्मीदवार जो आपके बीच में रिया जाना पहचाना रहा है दामोदर जी हर कार्यकर्ता के साथ है, उठवा बैठवा वाला है और आपका कई भी सुख दुख में ताल ठोकर आपको काम करवा वाला है। ऐसा कार्यकर्ता ने आपका बीच में भेजा, मैं आप लोगों एक ही अर्ज कह रहा हूँ आबा वाला टाइम में केंद्र नेतृत्व राजस्थान नेतृत्व को एक भरोसा है कि अपना प्रत्याशी 15% वोट ज्यादा वोट जीता, अपना बूथ 15% वोट ज्यादा वोट अपने जीता, ये काम ना अपने साकार कर भेजनो है। अतिरिक्त अर्ज आप लोगों के बीच में केबा हो साथियों, आज अपने अगर अपनो घर सुरक्षित राखनो, अपनो गांव सुरक्षित राखनो, अपनो देश सुरक्षित राखनो तो अपने आबा वाला टाइम में अटू अपना प्रत्याशी ने जितार भेजा और मोदी जी का हाथ मजबूत करवाने दामोदर जी वहां के कंधों कंधों लगा साथे खड़ा रहे, विकास की गंगा बहे पर जो आपने सबके लिए एक ही स्वाभिमान है इज्जत सबू बड़ी होवे, अगर वह इज्जत ने आपने बनाई रखनी है तो अपना अठू कमल का निशान है अतरा भरी मतों जिदार भेजो आबा वाला टाइम में यो रिकॉर्ड वापस कदी न टूटे। आप सब लोग इटे पधारिया, आप बड़ी गाँव में आज की स्थिति मैंने मालूम है, लोग खेत खलियान मौसम खराब हो रही हो लोगों की ज्यादा चिंता, फिर भी आप जो लोग कार्यकर्ता अड़ी बड़ी संख्या में पधारिया, आप लोगों को हाथ जोड़ निवेदन है आबा वाली 26 तारीख तक छोटो मोटो समय अपनी इज्जत के खातर टाइम निकाल जो और ये देश का गौरव न बढ़ा जो। आप सब लोग बड़ी संख्या में पधारिया, आप सब लोगों को आभार धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। हवाई पट्टी पे आ गए हैं पुलिस लाइन, वहां से सम्मान ढोल बाजों गाजों के साथ ला रहे हैं। मैं उसके पहले संक्षिप्त में, क्योंकि हमारा लोकसभा क्षेत्र हिंडोली तक पड़ता है, बूंदी के जिलाध्यक्ष हमारे बीच में विराजमान है सुरेश जी अग्रवाल, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि संक्षिप्त में आप अपना उद्बोधन दें। भारत माता की। मंच पे विराजमान सम्मानित नेतागण, विधायकगण, पूर्व राज्यपाल महोदय, उपस्थित सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु और मातृशक्ति, जैसा कि लोकसभा चुनाव का आगाज भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेता जो गत देश 10 वर्षों से इस देश में सुशासन और सनातन संस्कृति के आगाज को, देश के स्वाभिमान को आगे बढ़ाते हुए इस देश को विकास पथ पर जिस तरह से हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने चौमुखी विकास किया है, आज आने वाला चुनाव माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार हम सब लोग 400 पार के नारे के साथ आज देश में और हमारे भीलवाड़ा में जिस तरह के लोकप्रिय प्रत्याशी जो वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाम पर आप सबके बीच में जनता जनार्दन और कार्यकर्ता की सेवा करते आए हैं, ऐसे जाने पहचाने यशस्वी दामोदर जी अग्रवाल को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए जिस तरह से आपने पूर्व में 6 लाख से अधिक मतों से पिछले चुनाव में भीलवाड़ा लोकसभा में जीत का परचम लहराया, इस बार
हम 10 लाख की जीत के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। और मैं हिंडोली विधानसभा की ओर से आप सब लोगों को आश्वस्त करता हूं कि पिछली जीत से डबल जीत हम हिंडोली विधानसभा क्षेत्र से आपके श्री चरणों में अच्छी जीत के साथ माननीय दामोदर जी की पेटियों को भरेंगे। मुझे यहां बुलाया, मौका दिया, इसके लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे भीलवाड़ा जिले के प्रभारी आदरणीय रतनलाल जी साहब गाड़ियों से निवेदन करूंगा, क्योंकि हमारे राजस्थान सरकार पधार चुकी है, आप संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दें। भारत माता की, भारत माता की, जय बोलो श्री सांवरिया सेठ की, जय बोलो श्री सांवरिया सेठ की। मैं सबसे पहले संतगणों के चरणों में नमन और सामने विराजमान मेरी पिता तुल्य जनता मातृशक्ति के चरणों में नमन, मंचासीन हमारे पूर्व महामहिम राज्यपाल महोदय और सभी सम्मानित मंच, मेरे को ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, लेकिन भीलवाड़ा जिला पहले भी भारत में नाम किया था और इस बार भीलवाड़ा जिले का नाम भारत में रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी अपने आप में बनाने जा रही है, इसमें कोई दोराय नहीं। और हमारा सौभाग्य है कि भीलवाड़ा जिले के लोकप्रिय प्रत्याशी जिनके चरणों में, जिनके मार्गदर्शन में हमने भारतीय जनता पार्टी का काम करना सीखा है, जो 4 दशक से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में इस जिले का और राजस्थान में कोई से भी जिले का प्रभारी बनाने के नाते उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जो छाप छोड़ी है, आज हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद है कि एक भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ता की पहचान की है और इस भीलवाड़ा जिले की विकास की राह को आसान किया है। एक बार विश्वास के साथ आप हाथ खड़े करके विश्वास दिलाया कि भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी बहुमत से जीतने वाली है। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे आसिंद के पूर्व विधायक आदरणीय रामलाल जी साहब गुजर, जो देवी देवताओं के जयकारे से अपना उद्बोधन शुरू करते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि पधारे। भाई देखो, जैसे अपने बोलनी, जो पूरे पंडाल में है वो जे न बोले तो आपने नुकसान बोलो, मैंने कहीं तकलीफ को न, आपका फायदा के लिए जे बोलो। बोले भंडारी शंकर की, अंबे मैया की, तेजाजी महाराज की, देवनारायण भगवान की, चार भुजा नाथ की और 33 करोड़ देवी देवताओं की। सम्मानित मंच और सामने विराजमान सभी संतजनों को नमन और सामने विराजमान सभी भाइयों बहनों पिता तुल्य बुजुर्गों नौजवान साथियों, जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि लंबे टाइम से जिसकी समस्या थी, जिसकी समस्या थी हिंदुस्तान में, वो समस्या माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मेटी है। आप सबको मालूम है कि 1990 के अंदर जो धारा 370 हटाने के लिए भीलवाड़ा जिले से 11 गाड़ियों का जत्था गया, उसमें बद्री प्रसाद जी गुरु जी संयोजक में से संयोजक था। उस समय 1990 में धारा 370 के लिए 11 बसें भीलवाड़ा जिले की, पहला जत्था भीलवाड़ा जिले का। फगवाड़ा के अंदर गोलीकांड हुआ, उसमें 6 आदमी एक्सपोर्ट मारे गए, कहने का मतलब आतंकवादियों ने गोली लगाई, उसमें जोक से आगरा की गाड़ी बीच में घुस गई थी, तो वो देखा कि इस गाड़ी को ही पहले स्टार्टिंग करें, लेकिन उसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड कोई एमपी साहब बैठे थे, उसका सिक्योरिटी गार्ड था गनमैन, उन्होंने फायरिंग चालू कर दी, तो हमारा सबका बचाव हुआ। जब आप सबको मालूम है कि 370 जो धारा है उसको उड़ने नहीं दे रहे और हिंदुस्तान का झंडा जम्मू कश्मीर के अंदर श्रीनगर वगैरह में नहीं फेरने देते, इससे बड़ा और कौन सा तकलीफ का काम हो सकता है। आप सबको मालूम है राम मंदिर के लिए रात दिन आप सब लगे रहे और अब राम जी का भव्य मंदिर बन करके तैयार हो गया। मैं तो ये कह रहा हूँ आप सबको, सबको राम जी के मंदिर दर्शन करने के लिए जाना है और मैं तो अपने हगरी को नोतो दू आराम सब दर्शन करा जो और बाकी समस्या, क्योंकि राजस्थान में भजन लाल जी मुख्यमंत्री हैं, आपके ही मुख्यमंत्री जी हैं और केंद्र में माननीय नरेंद्र जी मोदी जैसे प्रधानमंत्री हैं, तो समस्या खत्म हो गई। अब क्योंकि समय कम है इतना ही किया। जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में सहाड़ा के पूर्व विधायक डॉक्टर बालू राम जी साहब चौधरी विराजमान है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि केवल एक मिनट में, क्योंकि राजस्थान सरकार भीलवाड़ा पधार चुकी है, केवल आप एक मिनट में अपना उद्बोधन प्रदान करें। भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित मंच पधारे हुए सभी महानुभावों, आज लोकसभा चुनाव जो अपने भीलवाड़ा में है, उसमें जो लोकसभा प्रत्याशी श्रीमान दामोदर जी अग्रवाल साहब का जो चुनाव है, उस चुनाव में आप सब लोग भारी संख्या में पधारे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं। अपन चाहते हैं कि लोकसभा के जो चुनाव है, पहले अपन 6 लाख से जीते थे, अपन चाहते हैं कि हम 7-8 लाख से जीते हैं। इसलिए अपन चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारी मेहनत करके हर गांव में जाके, हर बूथ पे जाके पार्टी का काम करना है, ताकि सांसद का जो चुनाव है, जो पूरे के पूरे यही नहीं, पूरे देश में सारे सांसद जीतने चाहिए, और कम से कम भीलवाड़ा में भारी मतों से जीतें। आप सब लोग पधारें, बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया, मेरी तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी साहब शर्मा हवाई पट्टी से, पुलिस लाइन से निकल चुके हैं। उसके पूर्व हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत विराजमान है, अनेकों बार विधायक, अनेकों बार सांसद, फिर राज्यपाल रहे हैं। आदरणीय वीपी सिंह जी साहब से निवेदन करूंगा कि आप पधारें, उद्बोधन प्रदान करें। आदरणीय वीपी सिंह जी साहब। संत जन को मेरा नमन। मंच पे विराजे हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक, सभी कार्यकर्ता बंधु, नेतागण, और सामने दूर दराज से हर जिले के हर गांव और धानी से पधारे हुए हमारे कार्यकर्ता भाइयों, मैं लंबी चौड़ी बात तो नहीं कहूंगा। हमारा कालखंड दूसरा था, ये ऐतिहासिक चौक पे मुझे याद है कि कौन कौन, आवाज आ रही, ये ऐतिहासिक आजाद चौक पे मुझे याद है, 20 साल तक मीटिंगें यहीं होती थी। शेखावत साहब यहाँ पे कितने ही बार आकर यहाँ पे बोले, अडवाणी जी बोले, नरेंद्र मोदी जी हमारे आज के प्रधानमंत्री भी यहाँ पे पधारे और उनका भी भाषण यहाँ पे हुआ। जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, जब भी उनका यहाँ पे भाषण हुआ। आज की सभा केंद्र हमारे प्रत्याशी अभी शायद मुख्यमंत्री जी को लेने के लिए गए हैं, मेरे साथी रहे, यहाँ के अध्यक्ष रहे, और हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ भी ओटीएस भी उन्होंने किया है। ऐसे व्यक्तित्व को आज हमारे कैंडिडेट बनाया है, मुझे बहुत बहुत खुशी है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी सब उनको जिताएं। हम सब इस चुनाव के अंदर लगे हैं, ये चुनाव अलग ही ढंग का चुनाव। हम लोग सब जने बहुत चुनाव देखे हैं, बहुत से चुनाव हमने लड़े हैं। सरपंच का भी चुनाव होता है, हमारे प्रधान का भी चुनाव होता है, जिला अध्यक्ष का भी चुनाव होता है, यहाँ पे वार्ड पंच, यहाँ पे चेयरमैन के भी चुनाव होते हैं।
और अभी अभी हमारे 6 विधायक यहाँ पे विराजे हैं, उनका भी चुनाव हुआ था। पर हर चुनाव का एक अलग ही मकसद होता है, अलग ही विचार होता है, अलग ही सोच के अंदर हम लोग वोट डालते हैं। और ये जो चुनाव, जो लोकसभा का जो चुनाव, ये अपने आप में अलग ही चुनाव, देश का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है ये। और हम इसको उसी सोच के साथ हम लोग इस पर वोट डालें। छोटी मोटी बातें बहुत ही रहती। मैं भी यहाँ पे, बहुत सारे तो बहुत छोटे होंगे, बहुत सारों का जन्म नहीं हुआ होगा। 77 के अंदर पहली बार मैं एमएलए बना, 4 बार विधायक रहा, 2 बार लोकसभा, जो अभी चुनाव हो रहे हैं लोकसभा भी आप लोगों की दुआएं, समर्थन, साथ के कारण ही मैं जीत पाया। उसके बाद राज्यसभा में भी मैं को भेजा। इस पार्टी ने शायद मुझे जितना कुछ दिया है कम ही लोगों को दिया होगा। और मुझे खुशी है कि आप लोगों का की दुआएं के कारण ही मैं वो उस स्थान पे मैं पहुंच पाया। पंजाब का गवर्नर भी मैं रहा, चंडीगढ़ का यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर भी मैं रहा। आज जो चुनाव है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये चुनाव एक बिल्कुल ही अलग चुनाव है। और क्यों है मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10 साल के अंदर जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो कमाल किया है, देश को इतना आगे बढ़ाया है। और मैं कहना चाहता हूं कि शायद भारत का इतना बड़ा नाम दुनिया में पहले कभी नहीं था जितना आज है। यहाँ पे भीलवाड़ा के बड़े बड़े सेठ लोग बाहर जाते हैं तो भी मेरे को, कल ही मुझे कोई कह रहा था कि जब उनको पता लगता है कि भारत से आए हैं तो उनका जो मान सम्मान आज नरेंद्र मोदी जी के कारण जो उनको मिलता है पहले कभी नहीं मिलता था। हमारा एक्सपोर्ट का काम जो भीलवाड़ा का है उसके अंदर बढ़ोतरी हुई। हम कभी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं करते, आज हम 3 ट्रिलियन का इकोनॉमी, 5वीं स्थान पे इकोनॉमी हमारे दुनिया के अंदर। और ये सब कमाल हमारे नरेंद्र मोदी जी का है। आज लोग कहते हैं कि ये डबल इंजन का सरकार का क्या मतलब है, क्या मकसद। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का राज नहीं था और उसके कारण ही डबल इंजन की सरकार हमारे को जितना लाभ मिलना चाहिए था नहीं मिलती। आज वो स्थिति बदल गई है। हमारी सरकार यहाँ पे राजस्थान में भी है और किसी को भी कोई संदेह नहीं कि सरकार नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की ही केंद्र में भी बनेगी और हमें पूरा लाभ मिलेगा। इस चुनाव के अंदर हम लोगों को इकोनॉमी के साथ साथ हमारे सबसे बड़ा जो मुद्दा है, और मेवाड़ के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं, मेवाड़ के कारण ही
मैं तो कहता हूं कि जितनी बड़ी लड़ाई मेवाड़ ने सनातन धर्म के लिए की, इतिहास साक्षी है कि और कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ। ये मेवाड़ ही था कि जब हमारे नाथ द्वारा के अंदर हमारे इष्ट देव के लिए कोई पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगह नहीं मिल रही थी, तो ये मूर्ति को कहां पे बिठाया जाए? पूरे भारतवर्ष के अंदर उन्होंने सोचा कि कहां पे सुरक्षित रहेगी, तो वो भी हम लोगों के मेवाड़ का ही, हम लोगों को ही मान सम्मान मिला और हम लोगों ने ही उसकी रक्षा की। और आज राम मंदिर के कारण जो इस सरकार ने हम लोगों का मान सम्मान बनाया है, और उसके साथ साथ कुछ ही दिन पहले मैं सऊदी अरेबिया गया था। आबू धाबी के अंदर हमारा मेयो कॉलेज की एक ब्रांच मान लें आप, कोलेबोरेशन मान लें, एक स्कूल हम लोग वहाँ पे भी चलाते हैं जिसका नाम है मयूर आबू धाबी। और वहाँ पे मैं जब गया तो मुझे ताज्जुब हुआ कि नरेंद्र मोदी जी के कारण ही वहाँ पे जो मंदिर इतना भव्य बना है। शायद आपने ट्विटर पर मेरा देखा होगा, और हम लोग वहाँ दर्शन करने गए। महाराजा साहब जोधपुर भी हमारे साथ में थे। रोज प्रतिदिन 6 से 7 हजार लोग दर्शन करने वहां पे जाते हैं, और शनिश्चर द्वीप को तो 20 से 25 हजार लोग वहां पे दर्शन करने जाते हैं, वो भी कमाल हमारे नरेंद्र मोदी जी का है। आज मैं ज्यादा कुछ आपसे नहीं कहकर, ये अलग ही चुनाव है, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो कैंडिडेट मेरे मित्र यहाँ के अध्यक्ष रहे, सबके साथी, सबको साथ ले जाने वाले हमारे दामोदर जी को आप पूरा समर्थन दें, जिताएं। धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पूर्व राज्यपाल महोदय। अब मैं, क्योंकि आप आसीन राजघराने से आते हैं, तो मैं एक मोह नहीं छोड़ पा रहा हूं। हमारे पूर्व जिला प्रमुख हैं रामचंद्र जी सेन, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि संक्षिप्त में, उसके बाद में राजस्थान की सरकार हमारे बीच में होगी। रामचंद्र जी सेन, सभी महंत, पूज्य महंतों के चरणों में प्रणाम। सम्मानित मंच, यही समय है, सही समय है बंधुओं, सबसे बाद में ये सीट का निर्णय हुआ, लेकिन जो निर्णय हुआ है वह सबसे बढ़िया निर्णय हुआ है बंधुओं। दामोदर जी भाई साहब, जो चित्तौड़, उदयपुर और भीलवाड़ा में दो बार जिला अध्यक्ष रहे, एक एक कार्यकर्ता से परिचित हैं, सबका दुख और पीड़ा को जानते हैं, और यूपी में भी जिन्होंने अपने कार्यक्रम की एक छाप छोड़ी है, और लोग आज इनको यूं ही मेवाड़ का मोदी नहीं कहते हैं बंधुओं। इन्होंने पिछले सौ दिन में 80 दिन घर पर नहीं रहे हैं बंधुओं, पार्टी का काम किया है इन्होंने। ऐसा तपस्वी व्यक्ति आज भीलवाड़ा को मिला है। क्योंकि मेरा नंबर आया है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मोदी जी ने जो काम किए हैं आज दुनिया में उसकी एक मिसाल है। मैं अगर गिनाने लगूं तो उन कामों को
कम से कम एक घंटा तक तो मैं ही गिनवा सकता हूं, बाकी लोगों का पता नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हर घर में शौचालय, हर व्यक्ति का जनधन खाता, हर व्यक्ति, हर गरीब और पात्र व्यक्ति को अन्न, और सबसे बड़ा कोरोना के समय में जिस विभीषिका से अपन गुजरे थे, टीकाकरण को दे करके इस देश को बचाया, ऐसे मोदी जी बंधुओं, और मोदी जी को दुनिया याद करती है। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं सबसे कि आज जो अवसर आया है भीलवाड़ा के लिए, ऐसा कार्यकर्ता जो संगठन से लंबे समय से सेवा कर रहा है, बहुत मुश्किल है। हम सब बंधुओं, मैं सबको निवेदन करता हूं, सब ये कम समय रहा है, कम से कम 20 दिन 22 दिन हम रात दिन लगे, और दामोदर जी भाई साहब को सबसे ज्यादा मतों से जीता करके दिल्ली भेजे, और फिर भीलवाड़ा का जो विकास है, चौमुखी विकास होगा, ऐसा हमको विश्वास है। वंदे मातरम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पूर्व जिला प्रमुख जी रामचंद्र जी सेन। अब मैं हमारे कोठड़ी के प्रधान आदरणीय करण सिंह जी साहब बेलवा से निवेदन करूंगा कि आप पधारे और संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दें। आदरणीय करण सिंह जी साहब बेलवा। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आज की ये लोकसभा प्रत्याशी के नामांकन रैली में पधारे हुए संत समाज से विराजमान सभी संतों के चरणों में नमन, मंच पर विराजमान सभी मंचासीन अतिथि, सामने विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने बहुत कुछ बोला है, मैं तो आपसे इतना की निवेदन करूंगा कि जो हमारा पिछली बार जो भीलवाड़ा जिले की जो लोकसभा सीट ने जो देश में इतिहास बनाया है, और उसी इतिहास को हमको बरकरार रखते हुए अभी मेरे से पूर्व वक्ता मांडल के विधायक माननीय उदयलाल जी वडाणा साहब कह रहे थे कि हमें देश में इसको दूसरे नंबर पर सीट को जिताकर एक इतिहास बनाना है। पहले नंबर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री लोकप्रिय आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी रहे, और दूसरे नंबर पर जिन्हें हम मेवाड़ का मोदी कहते हैं, आदरणीय दामोदर जी अग्रवाल साहब जीतकर और ये इतिहास बनाए। मोदी जी के बारे में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ बताया है। जो मोदी जी का सपना है, ये देश जो आज हमारा देश है, विकासशील विकसित राष्ट्र तो है, लेकिन अगर इसको हम विकासशील और राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो मोदी जी का जो सपना है, इस देश को आजादी के 2046 में जब 100 साल हो जाएंगे, तो ये सपना जब साकार पूरा होगा कि हम ये डबल इंजन की सरकार बने राजस्थान में, आप सभी के आशीर्वाद से अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, और हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, जो इन्होंने पार्टी ने जो संकल्प पत्र तैयार किया था, और उस संकल्प पत्र में जो वादे किए थे, उसमें से लगभग 3 माह में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने और राजस्थान की सरकार ने लगभग 50% वादे जो उस संकल्प पत्र में पूरे किए थे, उन 3 महीने में बहुत से वादे पूरे कर दिए। अगर आप, हम सब लोग आगामी लोकसभा चुनाव में यहाँ से भारी मतों से हमारे आदरणीय दामोदर जी अग्रवाल साहब को जिताकर भेजेंगे, देश में डबल इंजन की सरकार बनेगी, और ये विकास जो प्रदेश का है, ये निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। मुझे बोलने का जो अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। टेंट वाले श्याम जी मंत्री, तत्काल संपर्क करें मंच पर। श्याम जी मंत्री जो टेंट वाले भैया हैं, तत्काल एक बार मंच पर संपर्क करें शीघ्रता से। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में करेड़ा प्रधान आदरणीय संत श्री राजेंद्र जी सरगरा, मैं उनसे निवेदन करूंगा आप पधारे और हमारा मार्गदर्शन करें। नाम क्या है?
बोलो श्यावर रामचंद्र सत्यम टेंट हाउस मोहन जी सोहन जी माली तत्काल संपर्क करें, थोड़ा अनिवार्य है। सभी एक बार जोर से भगवान श्री राम का जयकारा लगाएंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की, सनातन धर्म की। मंचासीन सभी संतों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम, और पार्टी के जितने भी मंचासीन पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, प्यारे भाइयों और बहनों, ये अवसर है इस देश की काया पलट करने का, ये अवसर है राष्ट्र का निर्माण करने का, ये अवसर है सनातन धर्म का इस विश्व में परचम लहराने का। सभी से करबद्ध यही निवेदन करूंगा कि आप सभी की ताकत और आप सभी का ये प्रेम, मोदी जी के प्रति जो स्नेह, पूरे विश्व में इस भारत को विश्व गुरु बनाएगा। बोलो सियाव रामचंद्र भगवान की। हमारे बीच नैनवा से प्रधान पदम जी नागर विराजमान हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया पधारें और संक्षिप्त में अपना उद्बोधन प्रदान करें। भारत माता की। भीलवाड़ा की तो इतनी कम आवाज तो होनी नहीं चाहिए, यहां से कम दिल्ली तो जाए। सबसे अधिक वोटों से जिताने वाले एक कार्यकर्ता अगर इतनी धीमी आवाज में करेंगे तो कैसे पार पड़ेगी। भारत माता की। आज हमारे आदरणीय दामोदर जी अग्रवाल साहब का नामांतन इस सभा में उपस्थित मंच पे वरिष्ठ जन, मंचासीन मेरे सामने बैठे हुए वरिष्ठ जन कार्यकर्ता बंधुओं, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, इतना ही जरूर कहूंगा कि हमारे इस क्षेत्र में जिस प्रकार पिछली बार आप सबने अधिक वोटों के मतों से हमारे लोकसभा प्रत्याशी को अधिक वोटों से विजय बनाकर दिल्ली आपने भेजा, इसी प्रकार आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि उनसे अधिक वोटों से इस बार हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी के खाते में 10% बढ़ाकर अधिक मतों से हमें इस सीट को दिल्ली भेजना है। और हम सब आज ये संकल्प लेके जाएं कि हमारे केंद्र की योजना पीएम आवास, किसान निधि, जल योजना, जो भी योजना है हमारे, सब योजनाओं को हम चौराहे पे, किसी भी दुकान पे या किसी भी कार्यकर्ताओं के घर पे जब बैठे तो उनको अपनी योजनाओं का विस्तार से उनको बताई जाए, क्योंकि हमारे ऐसे भी कार्यकर्ता हैं जो अभी तक ये कहते हैं कि पीएम आवास नहीं, साहब माँ कह तो चन जो इंदिरा आवास नहीं, इंदिरा आवास के जमाने गए हुए बरस हो गए, अब तो पीएम आवास। और माननीय मंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज पीएम आवास चलाए जा रहे हैं, घर घर में हम सबको पीएम आवास मिले, इस प्रकार की योजनाओं को हम लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे। हमारी इतनी सी है कि हम योजनाओं की जानकारी बराबर जनता तक नहीं दे पा रहे। मेरी बात को बुरा मत मानना आप सब, लेकिन यह हम सबकी कमी है, ये मेरी भी कमी है और सभी जनप्रतिनिधियों की कमी है कि हम उन योजनाओं को पहुंचा नहीं पाए। पिछली बार जो सरकार में किन लोगों के रोडों के काम नहीं हुए या किसी के काम नहीं हुए, हमारे 5 साल तक सरकार नहीं थी, हमारी केंद्र में सरकार थी। समय हमारा अब आया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो करके दिखाया। इस भारत देश में जो राजस्थान सरकार ने अभी 3 महीने के अंदर अंदर 15 थानेदारों को तो जेल में पहुंचाया, कितने सौभाग्यशाली है। हमारी डबल इंजन की सरकार विकास की गति पर अब पहुंची है, इसीलिए आप सबसे इतना कहना है कि हम आज संकल्प ले कि हम अधिक मतों से हमारे प्रत्याशी को जिता के
दिल्ली बिठाएंगे और हमारी सरकार के साथ सहयोग करेंगे बराबर, इतना मैं आप सबसे विश्वास कर मेरा स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान साहब। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और शाहपुरा विधानसभा की कुछ सूचनाएं देनी है। मैं वहां के विधायक लाला राम जी साहब बेरवा से निवेदन करूंगा कि पधारें। शाहपुरा विधानसभा से पधारे हुए सभी कार्यकर्ताओं के लिए सूचना है कि 7 तारीख को हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी दामोदर जी भाई साहब का प्रवास रहेगा। हम सब कार्यकर्ता आपके यहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से आपको उनका प्रवास डाल दिया जाएगा। जिन जिन पंचायतों में हेडक्वार्टरों पर भाई साहब का प्रवास रहेगा, हमें भव्य स्वागत के साथ में उनका सम्मान करना है और सभी जागरूक मतदाताओं के लिए भी आप सबको सूचना देकर उनको एकत्रित करना है। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में पूरे जिले की कुछ सूचनाएं, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, कुछ सूचनाएं लोकसभा से प्रभारी आदरणीय गजपाल सिंह जी राठौर साहब देना चाहते हैं ताकि सब हम इस लोकसभा चुनाव पेटे ही वो काम करेंगे। आदरणीय गजपाल सिंह जी राठौर। 2-3 सूचना दी हमारे बीच में निवर्तमान सांसद सुभाष जी बेड़िया साहब का एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। कुछ सूचनाएं थी, एक तो कल 5 तारीख को प्रत्येक बूथ स्तर पर जितने भी कार्यकर्ता यहां विराजमान है पार्टी के पदाधिकारी, एक टिफिन बैठक का आयोजन किया जा रहा है। हर बूथ के ऊपर 5-6 कार्यकर्ता बैठ के वो टिफिन बैठ के इसके लिए कि 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, हर कार्यकर्ता 6 तारीख को हर घर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का ध्वज फहराएं। उसके उपरांत 11 तारीख को ज्योतिबा फुले जी की जयंती है, उसको हर कार्यकर्ता मनाएं। 14 तारीख को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती है, सामाजिक समस्या के रूप में हर कार्यकर्ता मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में भीलवाड़ा जिला मुख्यालय के विधानसभा के निवर्तमान विधायक आदरणीय विठल शंकर जी अवस्थी विराजमान है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप पधारे और उद्बोधन दें। आदरणीय विठल शंकर जी अवस्थी साहब। एक भीलवाड़ा लोकसभा की जो कोर कमेटी है उसकी एक बैठक रखी है इसके बाद में, तो एक बार जो कोर कमेटी के लोग हैं, जो एक बार विजयताई राठकर जो हमारी राष्ट्रीय मंत्री है, वो बैठक लेकर जाएगी। आदरणीय विठल जी भाई साहब। आज इस चुनावी रणभेरी की शुरुआत में नामांकन प्रक्रिया के कार्यक्रम में पधारे हुए मंच पर विराजमान सदैव सुभाष जी भाई साहब, आदरणीय वीपी सिंह साहब, हमारे संभाग के सह प्रभारी आदरणीय बडाणा साहब, हमारे सह प्रभारी सदैव गजपाल सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, इस पंडाल में पधारे हुए पूरे जिले से भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये आने वाले 2047 तक देश की दशा और दिशा तय करने का चुनाव है। हमारे श्रद्धेय मोदी जी जैसा कर्मयोगी उन्होंने जीवन जिया है, उस जीवन को देखते हुए उनसे प्रेरणा लेते हुए हम सब अगर उनसे अंश मात्र भी अगर हमने कुछ सीखा है तो इस राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार बनाएंगे। भीलवाड़ा जिले में हम रिकॉर्ड बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे, ये पूरा विश्वास है।
पूरे देश में एक वातावरण है जिसको मोदी लहर का नाम दिया जा रहा है। राम मंदिर का निर्माण, धारा 370 को हटाना, ये ऐसे कार्य है जो इस देश के लिए बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण थे, ये राज मोदी राज में संभव हुआ है। मैं आप सबके चरणों में निवेदन करता हूँ कि आप कृपया अपने जीवन का कुछ अंश इस चुनाव में देकर समय का दान करें और एक एक पल की कीमत समझते हुए भारतीय जनता पार्टी को विशाल बहुमत से भीलवाड़ा जिले में हम संसद में जिताएं, ऐसी मेरे आपके चरणों में विनती है। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे सांसद आदरणीय सुभाष सिंह जी साहब बेड़िया विराजमान हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप पधारे और हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय बेड़िया साहब, मंच पर विराजमान पूर्व महामहिम पंजाब श्रद्धेय वीपी सिंह जी साहब, माननीय विधायक भाई गोपी जी, लाला राम जी, उदयलाल जी, हमारे संभाग के सह प्रभारी आदरणीय भड़ाना साहब, अपने जिले के सह प्रभारी चुनाव लोकसभा के भाई गजपाल सिंह जी, जिले के संगठन के प्रभारी भाई रतन जी, जिला अध्यक्ष जी भाई प्रशांत जी, सम्मानित मंच, उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं, भाइयों और बहनों, प्रेस के मेरे साथियों, आज यह लोकसभा चुनाव की हम अभी नॉमिनेशन आदरणीय दामोदर जी भाई साहब का करके आ रहे हैं, और लोकसभा चुनाव की जो विट्ठल जी भाई साहब ने बोला कि 2047 में कैसा भारत होगा, उस ये चुनाव उसकी नींव रखेगा। आज 1996 से आप सभी ने मेरे को आशीर्वाद दिया और लगातार 28 साल तक इस क्षेत्र की मैंने सेवा की, और आज जो पार्टी का जो निर्णय है उसको स्वीकार है। मेरा आपसे ही आग्रह है कि आप जो रिकॉर्ड राजस्थान में पहले बना है उस रिकॉर्ड को तोड़कर भाई दामोदर जी अग्रवाल को जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जिला महामंत्री वेद प्रकाश जी खटीक, जिला महामंत्री वेद प्रकाश जी खटीक, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप एक गीत गाएंगे और सब में जोश भरेंगे। आदरणीय वेद प्रकाश जी खटीक। भारत माता की, फेर आसी रे मोदी, फेर आसी, मोदी ने जो फाचो लाबो छावो वो सब गाओ। फेर आसी रे मोदी, फेर आसी, यो तो 400 सीटां रे सागे, फेर आसी मोदी, फेर आसी, यो तो 400 सीटां रे सागे, मोदी फेर आसी रे मोदी, यो तो 400 सीटां रे सागे, फेर आसी मोदी, फेर आसी 400 सीटां रे सागे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जोर से बोलिए, माननीय सीएम साहब पीछे आ गए, जोर से बोलिए, लगे पीछे जनता बैठी है, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। वो उधर वाले नहीं बोल रहे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब की बार इधर वाले नहीं बोल रहे, अब की बार फिर एक बार
हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन, भारत माता की। हमारे बीच में राजस्थान सरकार स्वयं पधार रहे हैं, मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी साहब शर्मा करताल ध्वनि से खड़े होकर स्वागत करें, सभी तालियां बजाकर स्वागत करें। मोदी भजन लाल डबल इंजन सरकार स्वागत करिए। बिराजिया साहब मंच से सभी अतिथि विराजमान हो, सभी मंच से अतिथियों से निवेदन करूंगा कि कृपया आप विराज। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा महामंडलेश्वर जी और संत समाज से आशीर्वाद ले रहे हैं। राजस्थान में पूरे 25 इसका आशीर्वाद संतों ने दिया है। अब मैं हमारे बीच में राजस्थान की यशस्वी सरकार, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी साहब शर्मा विराजमान हैं, मैं उनके स्वागत सरकार अभिनंदन के लिए मैं हमारे सांसद आदरणीय सुभाष चंद्र जी साहब बहेड़िया से निवेदन करूंगा, हमारे लोकसभा के उम्मीदवार दामोदर जी अग्रवाल साहब से निवेदन करूंगा और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रशांत जी मेवाड़ा से निवेदन करूंगा कि पगड़ी पहनाकर समृद्धि चिन्ह देकर दुपट्टा पहनाकर स्वागत सत्कार करें। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत हो। स्मृति चिन्ह भेंट कर और अब 51 किलो की बड़ी माला है साहब, 51 किलो की बड़ी माला पहनाकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी साहब शर्मा का स्वागत करें। सभी विधायकगण, नगर परिषद के सभापति जी और जो आगे की पंक्ति में विराजमान हैं, मोर्चा अध्यक्ष, हमारे कर्ता धर्ता कार्यकर्ता सभी पधारे। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत होना चाहिए। और अब हमारे बीच में भीलवाड़ा टेक्सटाइल फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल श्री श्याम जी चांडक, श्री रामेश्वर जी काबरा और प्रेम स्वरूप जी गर्ग से निवेदन और उनके साथ आए हुए सभी पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के, वो आए और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी साहब शर्मा का स्वागत करें, आभार व्यक्त करें। टेक्सटाइल भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल, हमारे बीच में ये थोड़ा सा एको हो जाए, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री प्रदेश भाजपा सह प्रभारी आदरणीय विजया राहटकर जी पधार चुकी हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं जिला संगठन की ओर से कि कृपया पधारे। पधारे सब, पधारे पधारे।
हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री, राजस्थान भाजपा प्रदेश सह प्रभारी आदरणीय विजया राठकर जी का स्वागत, हमारी जिला प्रमुख बरजी देवी जी भील, युवा मोर्चे की प्रदेश उपाध्यक्ष शिवांगी जी कानावत, महिला मोर्चे की जिला संयोजक मंजू जी चेचाणी और मंजू जी पालीवाल जो जिलाध्यक्ष हैं महिला मोर्चे की, आशा जी जो प्रदेश की एसटी मोर्चे की प्रदेश उपाध्यक्ष, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि पधारें, दुपट्टा पहनाकर शाल पहनाकर लोकसभा संयोजक शक्ति सिंह जी कालियास हमारे बीच में हैं, वो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी साहब शर्मा का स्वागत करेंगे। दामोदर जी भाई साहब, सब चीजें पगड़ी वगैरह, हमारे बीच में हमारे लोकसभा के सशक्त उम्मीदवार आदरणीय सुभाष जी, आदरणीय दामोदर जी अग्रवाल साहब विराजमान हैं। मैं उनके स्वागत के लिए हमारे सांसद सुभाष जी बहेड़िया, शक्ति सिंह जी कालियास जो कि लोकसभा के संयोजक हैं, और विठल शंकर जी साहब अवस्थी जो निवर्तमान विधायक है भिलवाड़ा शहर के, उनसे निवेदन करूंगा कि सभी पधारे, पगड़ी पहनाकर और फड़ पेंटिंग भेंट कर दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। नहीं, इसमें नहीं होगा। हमारे बीच में सांसद सुभाष जी बहेड़िया विराजमान हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रशांत जी मेवाड़ा और सुरेश जी अग्रवाल जो बूंदी जिले के जिलाध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आप स्वागत करें, दुपट्टा पहना करके स्वागत करें। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रशांत जी मेवाड़ा विराजमान हैं, मैं उनके स्वागत के लिए जिला महामंत्री भगवती प्रसाद जी जोशी और वेद प्रकाश जी खटीक से निवेदन करूंगा कि दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। हमारे बीच में महामंडलेश्वर परम आदरणीय हंसाराम जी महाराज विराजमान हैं, वो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी साहब शर्मा का स्वागत करेंगे। संत समाज की ओर से सभी संतों से निवेदन है उनके साथ पधारें और भाव भीना उत्साहवर्धक स्वागत करें, आशीर्वाद दें। राजस्थान में 25 और हिंदुस्तान में 400 पार होनी चाहिए, वही आशीर्वाद मिलने वाला है। पधारिए साहब, इसके बाद में एक बार पूछ लेना, महामंडलेश्वर श्रद्धेय हंसाराम जी महाराज संत समागमों के साथ पधार रहे हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी साहब शर्मा को आशीर्वाद देने के लिए कि राजस्थान में 25 की 25 कमल खिलेंगे और पूरे देश में 400 पार होगा, ये मोदी महाराज का आह्वान है। तालियों की गड़गड़ाहट से महाराज जी को करा ला, फिर जो करा ला, महामंडलेश्वर जी श्रद्धेय हंसाराम जी महाराज हरि सेवा धाम पूरे मंच को आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे बीच में
महामंडलेश्वर हंसाराम जी महाराज हमें आशीर्वाद देंगे, राजस्थान को आशीर्वाद देंगे, हिंदुस्तान को आशीर्वाद देंगे। आदरणीय महामंडलेश्वर हंसाराम जी महाराज, हरि सेवा धाम। ओम श्रीचंद्र देवम शिवमदुत्यम भस्मावलिप्तम शशिशुभ्रवण्यम पद्मासनस्थम सुखदम यतीन्द्रम वाकाय चित्ते शततम भजेहम। राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मान्य भजनलाल जी, भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के समस्त हमारे बीजेपी के समस्त पदाधिकारीगण, विधायक महोदय, सांसद महोदय व सम उपस्थित, भीलवाड़ा जिले के सनातन धर्म प्रेमियों, भक्ति शक्ति रूप में माताओं, आज मैं ये कहूं कि मेरा सौभाग्य है या आपका सौभाग्य है कि शायद मैं अपने जीवन में राजनीतिक मंच में पहली बार आया हूं। मैं जब आवाज दूं जय जय भारत, आप लोग पीछे तक आवाज दीजिएगा जय जय सनातन, मैं बोलूं जय जय सनातन, आप जय जय भारत बोलेंगे, यहां से आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। जय जय भारत, जय जय सनातन। मुझे लग रहा है पीछे वालों के पास शायद आवाज नहीं जा रही है, शायद भीलवाड़ा भूल चुका है अपनी शक्ति को। जब सीएए की प्रथम रैली समर्थन निकली थी तो भीलवाड़ा से निकली थी, स्टेशन चौराहे से, जब उसकी आवाज पूरे दुनिया में गूंजी थी, ऐसी आवाज होनी चाहिए, जय जय भारत, जय जय सनातन। आज के इस मंच से मैं अधिक न कहूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने वचन दिए वो पूर्ण किए, राम मंदिर की नहीं, जो भी बात कही, राम राज्य की स्थापना 22 जनवरी को कर दी। अब मथुरा श्याम जी की, जो हमारे श्याम जी के नाम में एक दामोदर भी आते हैं उनके नाम में, अब श्याम जी की बारी है, और जब श्याम जी की बारी है तो काशी से ज्ञानवापी पे डमरू बज रहा है, हाँ, महादेव जी का। ये आज पूरे जगत में सनातन की पर्चा फैला रहे हैं, तो मैं आप सब सनातन धर्म प्रेमियों से, पूर्व वक्ताओं ने कहा कोई 10 लाख, कोई कितने, कोई कितने, बोले पहला जीत मोदी जी की होगी तो मोदी के अक्षर में दूसरा नाम द लगता है, तो दूसरी जीत दामोदर जी की होगी भारत में, और इस जीत के लिए आप सभी को मैं साधुत के नाते, सनातन के नाते संकल्प कराऊं, आप सब तो वोट देंगे, अपने परिवार इष्ट मित्रों को वोट दिलवाएंगे, और आप सब अपने सगे संबंधियों को पूरे भारत में अभी से ही समाचार देना चालू करें कि आपको वोट देना अवश्य है देश के लिए, नहीं तो जैसे पिछली सरकारों को आप खोस रहे हैं ना, इसी तरह कोसते रहोगे। मैं अपने जीवन में जब से वोट डाल रहा हूं, आज तक एक भी वोट डालने के लिए मिस नहीं हुआ, मैं नहीं चूका। मैं आप सभी को बता दूं, मैं आने वाली 7 तारीख को अमेरिका जा रहा हूं और वहां 2 महीने रहता हूं, पर इस बार 10 दिन के अंदर खाली वोट देने के लिए चाहे मैं लाखों रुपए खर्च कर दूं, मैं वापस बाद में वोट नहीं दे सकता, मैं इसलिए वापस आ रहा हूं, और आपको भी इसी तरह वोट देना, ये संकल्प ले। आप लोग वोट देंगे, आप लोग वोट दिलवाएंगे,
जय जय भारत। ओम। बहुत बहुत साधुवाद महामंडलेश्वर जी का। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री प्रशांत जी मेवाड़ा से निवेदन करूंगा कि आप पधारें, उद्बोधन दें। बोले भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, फूल कमल का जिंदाबाद, फूल कमल का जिंदाबाद। राजस्थान के शेर हिंद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री परम आदरणीय भजन लाल जी भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय मंत्री और राजस्थान की हमारी प्रभारी आदरणीय विजय राठकर जी, हमारे यहाँ के लोकसभा के उम्मीदवार आदरणीय दामोदर जी भाई साहब, पूर्व राज्यपाल परम सम्मान्य वीपी सिंह जी, यहाँ के वर्तमान के सांसद आदरणीय सुभाष जी वेड़े साहब, संगठन के प्रभारी रतन जी, लोकसभा के सह प्रभारी गजपाल सिंह जी, लोकसभा के संयोजक आदरणीय शक्ति सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हिंडोली से चुनाव लड़े आदरणीय प्रभुलाल जी, सम्मानित मंच और सामने विराजमान भीलवाड़ा के ज्येष्ठ श्रेष्ठ नागरिक बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, मातृशक्ति साथियों, आज दशम माता है और महिलाओं की उपस्थिति फिर भी इस परिस्थिति में भी है। महिला मोर्चा का फोन भी आ रहा था कि आज दशम माता है, पर 9:30 बजे भी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता यहाँ आ गई थी। मैं आपको सबको नमन भी करता हूँ कि जब नरेंद्र जी मोदी ने हमारी नई संसद का उद्घाटन किया तो नारी शक्ति वंदन कानून से ये उद्घाटन किया। नारी शक्ति का जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है, इसके लिए मैं आप सबको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वंदन करता हूँ। संत चरणों में मैं नमन करता हूँ और मैं आपके बीच में ज्यादा विषय नहीं रखूंगा। माननीय विजेताई का हमें उद्बोधन मिलना है, हमारे लोकसभा के उम्मीदवार दामोदर जी भाई साहब का हमें उद्बोधन मिलना है और राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी का हमें उद्बोधन मिलना है। साथियों, केवल मैं आपको ये बताने आया हूँ, ये भीलवाड़ा की धरती है। राजस्थान में एक नंबर पर 6,12,000 से भारतीय जनता पार्टी से सुभाष चंद्र जी बेड़े चुनाव जीते थे। ये सब भीलवाड़ा की जनता को मैं नमन करता हूँ कि आप सबकी ताकत ने राजस्थान में नंबर वन भीलवाड़ा रहा था, हिंदुस्तान में 4th नंबर पर रहा था। आप सबके आशीर्वाद से, विश्वास से मैं आज यहाँ से दावा कर सकता हूँ कि राजस्थान में संभवतया पहला नंबर भीलवाड़ा का रह सकता है। हमने देखा किस प्रकार से 10 साल पहले हिंदुस्तान की स्थिति थी, आज राम मंदिर हमारे बीच बनने जा रहा है। यहाँ के जो कांग्रेस के उम्मीदवार है कल कह रहे थे कि मंदिर के नाम पर राजनीति करते हैं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी मंदिर के नाम पर राजनीति नहीं करती है, मंदिर के लिए राजनीति करती है। मंदिर हमारा आस्था के केंद्र है। आदरणीय हंसाराम जी के उद्बोधन के बाद भारतीय जनता पार्टी हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करती है। साधु संतों को नमन करके हमारे कार्यक्रम की शुरुआत होती है। साथियों, किस प्रकार धारा 370 खत्म हुई, काशी कॉरिडोर का निर्माण हुआ, अनेक बातें आपके बीच में वरिष्ठ नेता बताएंगे। मैं मंचस्थ अतिथियों का केवल स्वागत अभिनंदन करता हूं और मंचस्थ नेताओं से आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मुक्त किया है। और भाई साहब, भजन लाल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार आप में संगठन की पकड़ थी, संगठन की ताकत थी, उसके परिणाम यह हुआ कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। निश्चित तौर पर भीलवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड वोटों से जीतेगी, यही बोलते मेरी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब कुछ पदाधिकारियों की घर वापसी हो रही है। मैं माननीय सीएम साहब और विजय ताई जी और आदरणीय दामोदर जी से निवेदन करूंगा, भाजपा का दुपट्टा बांधकर स्वागत करेंगे। हमारे भीलवाड़ा के विधायक अशोक जी कोठारी आप आधारे, सीएम साहब से निवेदन है भाजपा दुपट्टा बांधकर स्वागत करेंगे। विजय ताई जी राठकर आपसे भी निवेदन है, दुपट्टा बांधकर स्वागत करेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे पीछे से भी सभी। इसी कड़ी में पूर्व जिलाध्यक्ष श्री लादूलाल जी तेली, लक्ष्मी नारायण जी डाड, कन्हैयालाल जी स्वर्णकार, रामलाल जी योगी, आप चारों पधारे। चारों को हमारी ताई जी और माननीय सीएम साहब दुपट्टा बनाएंगे। चारों एक साथ पधारे।
लक्ष्मी नारायण जी डाट जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। लादूलाल जी तेली जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। कन्हैयालाल जी स्वर्णकार पूर्व मंडल अध्यक्ष और रामलाल जी योगी। भारत माता की, वंदे मातरम जय श्री राम, वंदे मातरम जय श्री राम, वंदे मातरम जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की से सम्मान कर वापसी। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है और बहुत मजबूत हो रही है। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। भारत माता की, माता की, माता की, वंदे वंदे वंदे। मोदी है तो, मोदी है तो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में, जैसा कि प्रशांत जी मेवाड़ा भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि आज दशा माता है, नामांकन रैली भी दशा माता के दिन है और दसों दिशाओं में भाजपा का परचम लहराएगा। आज बहुत अच्छा शगुन वाला दिन है। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री और भाजपा प्रदेश राजस्थान की सह प्रभारी आदरणीय विजया जी राहटकर से निवेदन करूंगा कि आप पधारे और उद्बोधन दे। आदरणीय विजया जी, सभी को निवेदन करती हूं कि एक बार अपनी दोनों हाथों की मुट्ठियों को बांधते हुए भारत माता का जयकारा करेंगे। और आपका ये जयकारा माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वासित करेगा कि दामोदर जी की विजय ये बहुत बड़ी राजस्थान की नंबर वन की विजय है। आइए मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भीलवाड़ा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री दामोदर अग्रवाल जी के नामांकन के लिए आज यहाँ पर हमारे प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री आए हैं, आदरणीय भजनलाल शर्मा जी। उनके साथ साथ मंच पर उपस्थित हमारे वर्तमान सांसद सुभाष चंद्र बहेड़िया जी, लोकसभा के प्रत्याशी दामोदर जी अग्रवाल, भीलवाड़ा जिला के जिलाध्यक्ष प्रशांत जी मेवाड़ा, इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष प्रभुलाल जी सैनी, उनके साथ साथ मंच पर उपस्थित हमारे सभी नेतागण, हमारे विधायक, पूर्व विधायक, पार्टी के सभी पदाधिकारी और मेरे सामने यहाँ पे बैठे हुए इतनी बड़ी संख्या में आए हुए मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आप सभी को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और जब जब मैं भीलवाड़ा आती हूँ तो मुझे लगता है कि सही महीने में हम बहुत अच्छी जगह पे और अच्छे लोगों के बीच में हम यहाँ पे आए हैं। आज सुबह सुबह हमने दशा माता का पूजन किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि राजस्थान एक ऐसी भूमि है कि वो अपने परंपराओं को बहुत अच्छे तरीके से संभालती है और उन्हीं परंपराओं के साथ, सनातन धर्म के साथ आगे बढ़ती है। लोकसभा का चुनाव शुरू हो गया है
और आज हम पूरे देश का वातावरण देखते हैं तो वो पूरा वातावरण मोदीमय हो गया है और कमलमय वातावरण हो गया है। राजस्थान में आज हम देख रहे हैं कि बहुत उत्साह के साथ लोग मोदी जी के साथ जुड़ रहे हैं। और क्यों नहीं जुड़ेंगे? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस देश के चाहे गरीब हो, युवा हो, महिला हो, एससी हो, एसटी हो, या उसी के साथ साथ महिला हो, किसान हो, उन सभी के लिए हमने काम किया। महिला सम्मान की बात कांग्रेस हमेशा करती रही, पर उन्होंने सम्मान महिलाओं को कभी नहीं दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित हो गई और आज महिलाओं के लिए सुरक्षा भी मिल रही है, सम्मान भी मिल रहा है। हमने महिलाओं के लिए अनेक अनेक योजनाओं का निर्माण किया। वैसी बात युवाओं के लिए है, आज युवा आत्मनिर्भर हो रहा है। और किसानों के लिए तो इतना बड़ा काम किया कि आज किसानों को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन हमने तय किया, जो समय हमने तय किया, उसी समय पे किसानों के अकाउंट में किसान सम्मान निधि जाता है। किसी को एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री पहले कहते थे कि मैं जब केंद्र से एक रुपया भेजता हूँ तो लोगों के पास 15 पैसा जाता है। आज आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी ने जो राशि तय की है, चाहे वो किसान हो या केंद्र सरकार के अनेक अनेक लाभान्वित हमारे उपक्रम हो, उन सभी लोगों को एक पैसा किसी को देने की जरूरत नहीं होती है, सीधे अकाउंट में पैसा चला जाता है। आज आप देखिए कि कैसी स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी की जो पूंजी है, वो पूंजी है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हर वर्ग के लिए किया हुआ काम है। ये हमारी पूंजी है। और वहां कांग्रेस की पूंजी क्या है? तो उनकी पूंजी है पेपर लीक। उनकी पूंजी है जब उनकी सरकार थी तब महिलाओं के साथ रोज होने वाले अन्याय और अत्याचार। और कांग्रेस की पूंजी है भ्रष्टाचार से लबालब बनी हुई ये कांग्रेस पार्टी। यह उनकी पूंजी है। आज उनको बोलने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। राजस्थान में आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके आशीर्वाद से बन गई। और आपने देखा कि भजनलाल जी ने मात्र 3 महीने में राजस्थान की तस्वीर बदलने का काम कर लिया। आज यह हमारा आधुनिक भगीरथ है जो राजस्थान में पानी लाने के लिए बहुत प्रयास कर रहा है। चाहे ERCP हो, चाहे यमुना जल हो, इन सभी के समझौते करते हुए आज आपने प्रयास किया है कि राजस्थान की भूमि हरित हो जाए। भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार बढ़िया काम कर रही है। और जो कांग्रेस ने युवाओं के सपने तोड़े थे, इस युवाओं को नौकरी से वंचित रखा था, वो सभी पेपर लीक वाले लोग आज अंदर हो रहे हैं और कल उनको सजा भी हो जाएगी। ये काम आज भजनलाल जी की सरकार कर रही है, भजनलाल जी कर रहे हैं। आज हम केंद्र में भी और राज्य में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इस काम के साथ आपके पास आ रहे हैं। भीलवाड़ा एक ऐसा हमारा लोकसभा क्षेत्र है जहाँ पे हम सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी स्थिति में आज हमारा मंच यहाँ पे आया है, जो मिलकर काम करने के लिए हमारे प्रत्याशी दामोदर जी को जितवाने के लिए यहाँ पे बैठा है। अभी अभी प्रशांत जी कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि देश की नंबर वन की सीट जिन्होंने भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया है वो भीलवाड़ा बन जाए। अब आप ही मुझे बताइए कि क्या ये काम करने के लिए हम सब तैयार हैं? तैयार हैं? भाई एक बार जोर से बताइए,
क्या भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए हम सब लोग तैयार हैं? तो मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विजया जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री हैं और राजस्थान प्रदेश की सह प्रभारी हैं। अब मैं हमारे बीच में लोकसभा के सशक्त उम्मीदवार आदरणीय दामोदर जी अग्रवाल से निवेदन करूंगा कि आप पधारें, अपना उद्बोधन दें और आप तालियों की गड़गड़ाहट से आशीर्वाद दें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, फूल कमल का जिंदाबाद, फूल कमल का जिंदाबाद। अब की बार फिर एक बार, फिर एक बार आज की इस विशाल जनसभा में मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने मात्र 100 दिन में भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के संकल्प पत्र में 45% काम करके एक इतिहास रच दिया, मैं उनका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। भीलवाड़ा की इस विशाल मेदिनी के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। आज मुझे आशीर्वाद देने पधारी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री, हमारी प्रदेश की सह प्रभारी और मेरी मातृवत आदरणीय विजया ताई को मैं नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। यहां विराजमान भीलवाड़ा के जिलाध्यक्ष प्रशांत जी मेवाड़ा, बूंदी के जिलाध्यक्ष जी, हमारे माननीय सांसद सुभाष बहेड़िया जी, हमारे सम्माननीय वीपी सिंह जी, सम्माननीय पार्टी के सभी विधायक गण, पार्टी के पदाधिकारी गण, सभी माननीय मंचस्थ अधिकारी और मेरे सामने बैठे मेरे आत्मीय भाइयों, मेरी वंदनीय बहनों, हमारे पत्रकार साथियों, मुझे आज बहुत कुछ कहना नहीं है। मैं सर्वप्रथम केंद्रीय नेतृत्व को और प्रदेश शीर्ष नेतृत्व जो यहां बैठा है उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मेरे जैसे एक सामान्य से कार्यकर्ता को आज लोकसभा का टिकट देकर पार्टी के कार्यकर्ता का सम्मान बढ़ाया। भाइयों, में 16 वर्ष जहाजपुर और 51 साल से भीलवाड़ा में रहता हूं। मैं आप सबसे परिचित हूं। माननीय भजनलाल जी, मैं भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के कम से कम 25,000 लोगों को नाम से पुकार सकता हूं। पिछले 50-52 साल के सामाजिक राजनीतिक जीवन में मेल मिलाप मेरा स्वभाव रहा है और इसीलिए मैं आप सबके चरणों में प्रार्थना करता हूं। जिस प्रकार से आज मंच आपको
पूर्ण सज्जित नजर आ रहा है। मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं, आने वाला ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में और हमारे माननीय सुभाष जी बहेड़िया के सानिध्य में एक मुखी होकर पूरी ऊर्जा और शक्ति के साथ लड़ेगी। और हमारा ही रिकॉर्ड 5 बरस पहले का हम सब मिलकर तोड़कर कोशिश करेंगे कि प्रचंड बहुमत से भीलवाड़ा से ये जनता मुझे आशीर्वाद प्रदान करेगी। मित्रों, बहुत बातें कहने की है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनावी समर में 3 मुद्दों को लेकर आई है। पहला मुद्दा सांस्कृतिक उन्नयन। हमने हजारों वर्षों तक हमारे मंदिरों को टूटते हुए देखा है, हमारी मूर्तियों को खंडित होते हुए देखा है। आज पिछले 10 वर्षों में ऐसा स्वर्णिम युग आया, आज हमारे श्रद्धा केंद्र श्रृंगातीरित हो रहे हैं, पुनर्निर्माण हो रहा है। दूसरा मुद्दा गरीब कल्याण। नरेंद्र भाई मोदी जैसे महामानव ने अपना तमाम खजाना हिंदुस्तान के गरीबों के लिए खोलकर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाया है। और तीसरा हमारा मुद्दा है विकसित भारत का संकल्प। उसी मुद्दे के साथ मेरा भी मुद्दा है विकसित भीलवाड़ा लोकसभा। 2047 में जब देश आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, तब इस लोकसभा की आबादी क्या होगी, आवश्यकताएं क्या होंगी, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कैसी बदलती हुई जीवन शैली के अनुरूप अन्य अन्य आवश्यकताओं की जरूरत होगी, कैसे यहां पर रेलवे कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो सके, कैसे लोकसभा क्षेत्र के आम जन को बिजली और पानी जैसी चीजें सहजता से सुलभ हो सके, कैसे शिक्षा और चिकित्सा की उच्च तकनीक के संस्थान स्थापित हो सके, कैसे यहाँ एम्स की स्थापना हो सके, कैसे यहाँ टेक्सटाइल पार्क आ सके। ऐसे सपने, ऐसे संकल्प मेरे जहन में हैं, और इससे बड़ा संकल्प है इस लोकसभा क्षेत्र के नौजवानों को किस प्रकार से रोजगार मिल सके, कैसे यहां रोजगार का सृजन हो सके। इन सब बिंदुओं पर ध्यान देकर मैं आपकी 5 साल सेवा करने का पुरजोर प्रयास करूंगा। माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में 2 टीयर की ये गवर्नमेंट विकास के नए आयाम लिखेगी। मेरी आप सबके चरणों में हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है, पूरी ताकत से एक रिकॉर्ड बनाने के लिए, एक रिकॉर्ड जीत के लिए आज से आप सब आने वाले 20 दिनों तक पार्टी का कमल खिलाने के लिए कठोर परिश्रम करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है होगा। आपके चरणों में नमन करता हुआ आज चूंकि माननीय भजन लाल जी को सुनना है, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सबसे विदा चाहता हूं। मेरी वाणी को विराम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दामोदर जी भाई साहब, जो इस लोकसभा के सशक्त हस्ताक्षर हैं। हमें पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ना है, 6,12,000 से 8,12,000। अब मैं निवेदन करता हूं कि देवांश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ऐसी नजर रखते हैं जिससे भजन लाल जी मुख्यमंत्री बनते हैं। बहुत गहरी नजर है, तभी तो कहते हैं ना मोदी भजन लाल डबल इंजन सरकार। अब मैं निवेदन करता हूं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब से, आप पधारे, हमें आशीर्वाद दें, हमारा मार्गदर्शन करें, उद्बोधन दें। आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब। भारत माता की वंदे,
वंदे वंदे। बोलिए भारत माता की। भाई ये भीलवाड़ा किसी आवाज नहीं लग रही है। बोलिए भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। आज भीलवाड़ा लोकसभा प्रत्याशी श्री दामोदर जी अग्रवाल के नामांकन के अवसर पर ये आम सभा और इस आम सभा में हमारे प्रदेश की सह प्रभारी और राष्ट्रीय मंत्री बहन विजय राठकर जी, हमारे पूर्व राज्यपाल बीपी सिंह जी बदनौर साहब, हमारे भीलवाड़ा के लोकप्रिय सांसद भाई सुभाष जी बहेड़िया साहब, इस भीलवाड़ा के लोकसभा के समन्वयक भाई अतर सिंह जी बड़ाना जी, संयोजक भाई शक्ति सिंह जी कालियास, सह संयोजक रामलाल जी गुर्जर साहब, सह संयोजक रामपाल शर्मा जी, सह संयोजक रूपलाल जी जाट साहब, पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई प्रशांत जी मेवाड़ा, भाजपा बूंदी के जिला अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल जी, पूर्व मंत्री पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रभुलाल सैनी जी, पूर्व मंत्री पार्टी के वरिष्ठ नेता कालूलाल जी गुर्जर साहब, माडलगढ़ के विधायक गोपाल जी खंडेलवाल साहब, जाजपुर के विधायक गोपीचंद जी मीणा साहब, आसींद के विधायक जब्बर जी सांगला साहब, भीलवाड़ा के विधायक भाई अशोक कोठारी जी, मॉडल के विधायक उदयलाल जी भड़ाना साहब, साड़ा के विधायक लादूराम जी पितालिया जी, शाहपुरा के विधायक भाई लाल राम जी बैरवा साहब, भीलवाड़ा के पूर्व विधायक भाई विट्ठल जी अवस्थी साहब, जिला प्रमुख वर्जी देवी भील जी, उप जिला प्रमुख शंकरलाल जी गुर्जर साहब, लोकसभा के सह प्रभारी गजपाल जी, जिला प्रभारी रतनलाल जी, जिला सह प्रभारी भाई जुगल किशोर जी शर्मा जी, और इस सभा में आए भीलवाड़ा के गांव गांव ढाणी ढाणी से मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। ये मायक थोड़ा मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने 3 महीने पहले राजस्थान के अंदर एक जोरदार बहुमत दे करके राजस्थान में सरकार बनाई
इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, अगर हम बात करें हमारी केंद्र की सरकार की, तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं। 2004 से 2014 तक कांग्रेस का राज था। यह मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि वो दिन भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2014 से पहले देश की स्थिति क्या थी। देश आखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था, आए दिन घोटाले होते थे और घोटाले भी ऐसे होते थे कि 0000 पढ़ा नहीं जाता था। अखबार के अंदर आए दिन घोटाले आते थे और घोटाले ऐसे होते थे, जमीन पर भी घोटाला होता था, आसमान में भी घोटाला होता था और पाताल के अंदर भी घोटाला होता था। यह कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, भ्रष्टाचार की जननी है। आपने देखा होगा आतंकवादी आते थे, भीड़ भाड़ वाले इलाके में कहीं बम फोड़ करके चले जाते थे, कहीं रेलवे स्टेशन पर बम फोड़ करके चले जाते थे, बड़े महानगर में आते थे, ऐसी घटनाओं को अंजाम दे करके चले जाते थे। यही नहीं मित्रों, हमारे सैनिकों के सिर को भी काट करके ले जाते थे और उस पर भी किस तरह की टिप्पणी करते थे, ये आपके सामने है। लेकिन 2014 के बाद आपने स्थिति देखी है, आपने देखा है, कांग्रेस ने हमेशा गरीबी हटाओ के नारे दिए थे लेकिन कभी गरीब के नर गरीब से नाता जोड़ने का काम कभी कांग्रेस ने नहीं किया था। अगर गरीब कल्याण की बात नेहरू जी से लेकर के, इंदिरा जी से लेकर के, राजीव जी से लेकर के, मनमोहन जी से लेकर के, और आज प्रियंका जी भी कर रही हैं, सोनिया जी भी कर रही हैं और राहुल भी कर रहे हैं, आपको कितना समय हो गया ये देखना होगा। 7 दशक से गरीबी हटाओ का नारा देने वाली है कांग्रेस, इसने ना कभी गरीब की सोची थी ना किसान की सोची थी। अगर गरीब और किसान की चिंता की है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज इतनी बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें हैं, अगर माता बहनों का किस अगर दर्द जाना है इस 70 साल के अंदर, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जाना है। आप हम सभी गांव के रहने वाले, गांव से आते हैं, आपने देखा होगा हमारी माता बहने अंधेरा होने का इंतजार करती थी, सूर्य उदय से पहले उनको शौच के लिए जाना पड़ता था, दिन में पीड़ा सहन करती थी, इस दर्द को जानने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और घर 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 शौचालय बनवाकर माता बहनों को अगर सम्मान देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। कहने को छोटी बात होगी, कांग्रेस के लोग कहते हैं, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि 70 साल में आपके दिमाग में यह बात क्यों नहीं आई, माता बहनों के बारे में आपने क्यों नहीं सोचा। यही नहीं मित्रों, हमारा वो गरीब व्यक्ति बैंक की तो बात छोड़िए, बैंक की चौखट पर पैर नहीं रख सकता था, पैर नहीं रख सकता था। अगर उस गरीब आदमी का
बैंक में खाता खुलवाने का काम किया, उनको उन सुविधाओं से मुहैया कराने का काम किया, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आपसे और कहना चाहता हूं, जो आता है किसान की चिंता करता है, कांग्रेस हमेशा किसानों की बात करती है, लेकिन किसान को फायदा देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आप देख सकते हैं 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, चाहे वो गरीब कल्याण को लेकर के हो, चाहे देश के विकास से लेकर के हो, या देश की सीमा सुरक्षित करने से हो, या दुनिया में भारत का मान और सम्मान बढ़ने का हो, अगर ये किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लोग हमसे कहते थे, क्योंकि हमारा संकल्प है और संकल्प हमारा यह है, चाहे हमारे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, मित्रों हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम जो भी वायदा करते हैं उस वायदे को पूरा करते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की खूबी है। हमारा कितना पुराना वायदा, कहते थे क्योंकि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। हम जब ये नारा देते थे, कांग्रेसी कहते थे इनका चुनावी जुमला है, भारतीय जनता पार्टी जुमले को देती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, हमने हमारे घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखा है कि जिस दिन हमारी केंद्र में सरकार आएगी हम धारा 370 को हटाएंगे। और आपने देख लिया होगा मोदी जी का जलवा, जैसे ही केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार आई, लोग कहते थे खून की नदियां बह जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। 5 मिनट के अंदर धारा 370 हटा दी गई और एक बूंद खून का नहीं गिरा। यह हम आपसे कहना चाहते हैं, जनता का भरोसा है मोदी जी के ऊपर, पूरे देश की जनता का भरोसा है। जनता इस बात को मानती है कि मोदी जी जो कहते हैं करके बताते हैं। आपने देखा होगा कांग्रेसियों ने तो हल्फनामा दे दिया था, राम जी तो काल्पनिक हैं, ये तो कथाओं में आता है, अयोध्या में राम जी पैदा नहीं हुए थे। अरे ऐसा मत करिए, कांग्रेसी हो आप देख रहे हो, अब कह रहे हैं कि हमने तो साहब निमंत्रण ठुकरा दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गांव के लोग हैं, गांव में जब बैल होता है और वो बुजुर्ग हो जाता है या वो पोज पड़ जाता है तो कहते हैं ना, इसमें से तो राम निकल गया, तो इन कांग्रेसियों में से तो राम जी निकल गए। ये तो कभी यहाँ की सीट बदल रहे हैं, कभी यहाँ की सीट बदल रहे हैं, कहीं वो कह रहा है कि मेरे को तो वैसे ही खड़ा कर दिया, कोई कह रहा है मैं तो खड़ा ही नहीं होना चाहता था, जबरदस्ती मेरे को टिकट दे दिया। अरे इनमें से तो राम, कहते हैं ना राम जी राम निकल गए, ये तो बिल्कुल राम निकल नहीं थे। जिन्होंने राम जी को नहीं मान रहे उनका राम तो निकलेगा ही, ये मैं आपसे कहना चाहता। मैं मित्रों आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हम कहना चाहते हैं जनता के बीच में, हमारी केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, हम जनता के बीच में जवाबदेही है, जनता के बीच में जाते हैं, जनता जिस बात को कहती है, जनता जिस काम को कहती है, हम घोषणा पत्र में उसी काम को लेते हैं। आपने देखा होगा विधानसभा के अंदर हमारे 2 रथ गए थे, हर विधानसभा के अंदर गया था, हमने वहां की समस्याओं को लिया, हमने उस घोषणा पत्र के आधार पर हमारा संकल्प पत्र बनाने का काम किया। और वो संकल्प पत्र बनाने का काम किया, हमने कहा कि हमने जो राजस्थान के अंदर हमारा जो संकल्प पत्र बनाया है, हम राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं।
हमको 3.5 महीने हुए हैं, लेकिन काम करने के लिए हमें 3 महीने यानी 90 दिन मिले थे। 90 दिन में हमने 45% हमारा संकल्प पत्र पूरा किया है। 45% मित्रों, मैं कहना चाहता हूं यही संकल्प पत्र लेकर हमारे लोकसभा चुनाव के अंदर, हमारी लोकसभा चुनाव में 2-2 गाड़ी हमारी गई हैं। हमने जनता के बीच में जाते हैं क्योंकि हम जनता की बात सुनते हैं, जनता जो कहती है वो हम करते हैं। हमारी अभी भी गाड़ी गई है, लोकसभा के मुद्दे हमने लिए हैं, लोकल मुद्दे हैं वो भी उनको भी लिया है, और हमारे विकास के मुद्दे हैं उनको भी हमने संकल्प पत्र में लिया है। हम आपको यह विश्वास दिलाना चाहते हैं, हमने आपसे कहा था 15 दिसंबर को हमारी सरकार का गठन हुआ था, 16 दिसंबर को हमने कहा कि हम जो युवाओं के सपनों को जिन्होंने तोड़ने का काम किया है, जिन्होंने युवाओं के सपने को तोड़ने का काम किया है, युवाओं को रुलाने का काम किया है, उन किसान के पुत्रों को धोखा देने का काम किया है, और जिस आशा और विश्वास के साथ किसान ने अपने बेटे पर भरोसा किया था कि वो पढ़ाई करेगा, उसको कमरा दिलवाया, कोचिंग करवाई, और उसको कोचिंग करवा के हॉस्टल में रखने का काम किया, पिता ने पुत्र पर भरोसा किया और पुत्र ने पिता को विश्वास दिलाया कि अब की बार मैं परीक्षा में पास होकर के आपका सहयोगी तो बनूंगा, आपके सहारा बनने का काम करूंगा। उस विद्यार्थी के सपने तोड़ने का काम इस कांग्रेस की सरकार ने किया। हमने कहा था कि जिन्होंने युवाओं के सपने को तोड़ने का काम किया है, हम उसको चैन से नहीं बैठने देंगे, कितना भी बड़ा आदमी हो सलाखों के पीछे जाएगा। और आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं किस तरह से कल भी इंस्पेक्टर पकड़ा है, एक तो इंस्पेक्टर कुछ ऐसे थे जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, फर्जी तरीके से पास होकर के ट्रेनिंग ले रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं अभी तो ये आ रहे हैं, लेकिन वो भी जल्दी आने वाले हैं जिन्होंने उनके साथ कुठाराघात किया है, उनका भी नंबर आने वाला है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं हमने आपसे वादा किया, हमने हमारी माता बहनों से वादा किया था कि हमने कहा था कि हमारी सरकार आएगी, हम 450 रुपये में सिलेंडर देने का काम करेंगे, 450 रुपये में। हमने 25 दिसंबर को फैसला लिया और 1 जनवरी से राजस्थान की 73 लाख बहनों को 450 रुपये में सिलेंडर देने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं, हमने किसानों से वादा किया था कि हमारे केंद्र की सरकार 6,000 रुपये सम्मान निधि देने का काम करती है, 6,000 रुपये देने का हमारी राजस्थान की सरकार करेगी। पहली किस्त 2,000 रुपये की हमने पहली कैबिनेट में 6,000 से 2,000 बढ़ा करके 8,000 रुपये किसानों को देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मित्र, यही नहीं, केंद्र में हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार 6,000 रुपये देती थी, लेकिन हमारे किसानों के बेटे जिनके पिताजी का देह अवसान हो जाता था, उनका नामांतरण खुलता है, म्यूटेशन खुलता है उनका, तो उनके पुत्रों को या पुत्रियों को उसका लाभ मिलता है। इस राजस्थान की सरकार ने वो म्यूटेशन खोल करके उनको भी नहीं भेजा, हमने उसमें उन सभी का म्यूटेशन खोला, उनको भी आगे बढ़ाया और 60,000 किसानों को एक्स्ट्रा देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने कहा था MSP बढ़ाएंगे गेहूं पर, हमने 2,275 रुपए से
2400 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। किसान के गेहूं पर पहली कैबिनेट में MSP बढ़ाने का काम किया है। हमारी आंगनवाड़ी की हमारी बहनें, आशा सहयोगिनी, ऐसी हमारी बहनें जो लगातार काम करती हैं, उनका मानदेय किसी ने नहीं बढ़ाया। हमारे जनप्रतिनिधि, उनका जो पंचायत राज के जनप्रतिनिधि, उनका मानदेय किसी ने नहीं बढ़ाया। नगर निकाय के जनप्रतिनिधि, उनका मानदेय भी किसी ने नहीं बढ़ाया। और हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन, हमारे बुजुर्गों की, हमारे दिव्यांगों की, हमारी माता बहनों की, कांग्रेस ने नहीं बढ़ाई। हमने पहली कैबिनेट में 10% बढ़ाने का काम किया और 1000 रुपए से 1150 रुपए करने का काम, वो काम भी हमने किया है। और हमारी आंगनवाड़ी और हमारे जनप्रतिनिधियों का भी 10% हमने वेतन बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके यहाँ के कुछ काम हैं जिनको मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने घोषणा की थी, और घोषणा की थी तो वो काम आपके हुए या नहीं हुए मैं कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं आपसे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, चितावा में 132 KV सब स्टेशन का वादा किया था, पूरा हुआ है क्या? अरे आप बताएं, पूरा हुआ है क्या? चितावा में 132 KV बन गया क्या? कांग्रेस ने वादा किया था कि नहीं किया था? ये स्वरूपगंज से दर्री सड़क में पुल निर्माण, त्रिवेणी देवली सड़क पर पीपुल्ला ग्राम में बाईपास निर्माण की घोषणा की गई थी, एक पत्थर लगाए क्या? लगाए क्या? तो भाई जब ये नहीं लगा, इनकी घोषणा है तो वो जब वोट मांगने आए तो उनको कहना है कि नहीं कहना है? भीलवाड़ा के लिए अशोक गहलोत सरकार ने घोषणा की लेकिन उनको पूरा नहीं किया। आसीन, कोटड़ी, बदनौर, माडल, खेमाड़ा, साखला, कीड़ीमल तथा फूलिया कला में औद्योगिक क्षेत्र के सब्ज बाग दिखाए, उसमें हकीकत में किया क्या? अरे किया हो तो बताओ, मुझे तो पता नहीं है, किए क्या? मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, इन्होंने बहुत सारे वायदे आपके यहाँ किए हैं, ये वायदे आप, एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, ये कांग्रेस के लोग हैं, ये झूठ और लूट में विश्वास रखते हैं। कांग्रेस ने इस देश को भ्रष्टाचार की जननी है। कांग्रेस इस देश में अगर भ्रष्टाचार किसी ने पैदा किया तो वो कांग्रेस ने किया। कांग्रेस हमेशा तुष्टिकरण के आधार पर चलने वाली पार्टी है, इन्होंने हमेशा तुष्टिकरण के आधार पर चल करके काम किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों कि हमेशा ये कांग्रेस जातिवाद के नाम पर काम करती है, ये कांग्रेस हमेशा तुष्टिकरण के नाम पर काम करती है। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पिछली बार भी आपने बहुत बड़े अंतर से भीलवाड़ा सीट को जिताया था। राजस्थान की 25-25 की सीट आपने 2014 में भी जिताने का काम किया, 2019 में भी 25-25 सीट जिताने का काम किया। मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है, अब की बार भी आप 25-25 सीट जिता करके माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देंगे। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, 25-25 सीट तो जिता के देंगे लेकिन पिछली बार भी आपका बहुत बड़ा मार्जिन था 6 लाख से ऊपर। लेकिन अभी अभी दामोदर जी कह रहे थे, हमारे जिला अध्यक्ष जी कह रहे थे, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, अब की बार भीलवाड़ा का इतिहास बनना चाहिए, इतिहास बनना चाहिए। मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं, कुछ बातों का दामोदर जी ने जिक्र किया है, यह हमारी डबल इंजन की सरकार है, भीलवाड़ा के अंदर अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ होना है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, और आप विश्वास मान लेना,
हमारा कोई भी कार्यकर्ता सार्वजनिक काम के लिए, कोई भी हमारा बूथ का कार्यकर्ता, हमारे मंडल का कार्यकर्ता, हमारे जिले का कार्यकर्ता, हमारा मोर्चे का कार्यकर्ता, हमारा प्रकोष्ठ का कार्यकर्ता या हमारा पंच सरपंच से लेकर के पंचायत समिति जिला परिषद का कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी हमारा विधायक अगर किसी बात को लेकर के आएगा तो आपको कभी निराशा हाथ नहीं लगेगी, निराशा हाथ नहीं लगेगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। यह भारतीय जनता पार्टी है साहब, जो कहती है वो करती है, जो कहती है वो करती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह देश आगे बढ़ रहा है और यह प्रदेश आगे बढ़ेगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग मन बनाते हुए या नहीं, भीलवाड़ा के अंदर आपके मिलने वाले, आपके रिश्तेदार, आपके पहचान वाले कोई भी अगर जिले से भी बाहर रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, उनको 10-10 फोन करेंगे ना, सभी लोग 10-10 फोन करेंगे ना, 10-10 फोन, सभी कम से कम 10-10 फोन करेंगे, ज्यादा करेंगे तो मैं आपका अभिनंदन भी करूंगा, सभी को फोन करेंगे कि आने वाला 2024 अब की बार जोर से अभी लगा नहीं, अब की बार फिर एक बार तो एक बार विश्वास दिलाइए, सभी मंच पर विराजमान लोगों को हाथ उठाइए, ऊपर अपने हाथ, ये पंजा मत बताइए, पंजा ने कर दिया गंजा, ये हनुमान जी की मुष्टिका बनाइए, हनुमान जी की मुष्टिका, और जोर से बोलिए भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय। जब कांग्रेस से राम ही निकल गया तो कांग्रेस में राम को मानने वाले कहाँ रहेंगे, ऐसे जाजपुर के कुछ लोगों के मैं नाम पढ़ रहा हूँ, आप सभी विराजे, अभी कार्यक्रम चल रहा है, आप सभी विराजे। जाजपुर विधानसभा के कुछ कार्यकर्ताओं के नाम पढ़ रहा हूँ, वो बीजेपी कार्यालय आएंगे, वहाँ विजयताई जी उनको दुपट्टा बनाएंगे। श्री किशोर जी शर्मा पूर्व सरपंच संघ जिला अध्यक्ष, श्रीमती तुलसी देवी भाटी पूर्व प्रधान, मोहित जी मीणा पंचायत समिति सदस्य, भवरलाल जी टांक, छीतर जी जाट, राजेश जी सेन, श्रीमती कमलेश जी मंत्री, श्रीमती मोनिका जी शर्मा, राम गोपाल जी शर्मा, कैलाश जी रेगर, श्रीमती कौशल जी शर्मा, ये कांग्रेस छोड़ रहे हैं। ऐसे भीलवाड़ा से निर्दलीय पार्षद ओम जी पारासर, कैलाश जी मुंदड़ा, सुशीला जी जैन, आशा जी शर्मा, सागर जी पांडे, बादाम देवी, राजेंद्र पोरवाल जी, और कांग्रेस छोड़ के आ रहे महेंद्र जी गबराणी, मोहनी जी माली, ये सभी भाजपा कार्यालय पधारे, धन्यवाद। अब हमारे बीच में भीलवाड़ा विधानसभा के विधायक आदरणीय अशोक जी कोठारी से निवेदन करूंगा कि कृपया पधारे, उद्बोधन दे आदरणीय कोठारी साहब। भारत माता की,